Episode 29 Clarification with RJ Anushree। कार में बैठने के बाद अकीरा को बानी पर बहुत हंसी आ रही थी। बिल्कुल बच्चों की तरह वो कार के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, और जब वो नहीं देख पाई तो वो अपने पैर जोर जोर से टैप करने लगी। उसकी हंसी कार में गूंज रही थी। कुछ टाइम के लिए वो भूल गई थी कि वो कहाँ है। उसके बाजू में बैठा प्रणव उसे देखते ही जा रहा था। इसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी, उसकी शक्ल क्यूट लग रही थी, और हंसते हुए उसकी आंखें भी चमक रही थी। हंसते हुए वो बहुत ही क्यूट भी लग रही थी। और बाद में प्रणव ने जब अकीरा के गाल पर उंगलियों के निशान और उसके गाल सूजे हुए देखे तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने तुरंत गाड़ी रोक दी थी। अकीरा को नहीं पता था कि प्रणव ब्रेक मार रहा है। अचानक ब्रेक की वजह से वो आगे की तरफ टकराने ही वाली थी कि प्रणव ने उसे उसके वेस्ट से पकड़ लिया और उसे फिर पीछे खींच लिया था। अकीरा थोड़ी नर्वस हो गई थी जब फिर एक बार उसने प्रणव की गहरी काली आंखों में देखा था। पहले वो सिर्फ बानी को परेशान करने के बारे में सोच रही थी। वो भूल गई थी कि उसके बाजू में प्रणव अब भी बैठा हुआ है। और अब ये सोचते हुए अकीरा ने प्रणव को देखा और उसे गूज़बम्प्स आ गए थे। प्रणव को देखकर उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहले जो प्रणव ने अकीरा के साथ किया था, उसके बाद अकीरा को प्रणव के साथ अकेले में हमेशा एक अजीब सा डर लगता था। एक तरफ प्रणव के परफ्यूम की स्मेल और दूसरी तरफ कार में प्रणव के सिगार पीने की वजह से पूरी उसकी स्मेल फैल गई थी। वहां का माहौल भी इंटेंस और बहुत ही सीरियस हो गया था। जैसे ही प्रणव की बॉडी अकीरा के पास आई, उसने डर में आंखें बंद कर ली और उसके सेंट की स्मेल अकीरा के नाक में भर गई थी। प्रणव बहुत ही सीरियस और गुस्से में लग रहा था और उसके चेहरे से वो बहुत ही अनहैप्पी लग रहा था। अकीरा ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी और उसने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहा, क्या हुआ है? प्रणव ने अपना हाथ उठाया और अकीरा के गाल जो सूज गए थे और लाल भी थे उसको हल्के से टच करते हुए अकीरा को एकदम सीरियस टोन में पूछा, ये किसने मारा? प्रणव का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मारा है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। और उसने फिर थोड़ा जोर देते हुए अकीरा से पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने मारा? अकीरा ने थोड़ा स्ट्रांग होकर कहा, मैं अब ठीक हूँ, जो हुआ जाने दो, छोड़ दो। प्रणव का गुस्सा बहुत डेंजर था। अकीरा उसे नहीं झेलना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो चुप रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी। अकीरा ने अपने मन ही मन में सोचते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं स्टूपिड हूं? तो मैं जो हूं उसे तुम्हें क्या लेना देना? जिसने तुम्हें मारा था, क्या तुमने उसे रिटर्न स्लैप किया? प्रणव ने अपनी उंगलियों से अकीरा के गाल टच करते हुए बोलना चालू रखा, जब मैं तुम पे गुस्सा था तब मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हारे प्रिटी फेस को कुछ करने की। अकीरा ने अचानक से प्रणव को रोकते हुए बोला, तुम मेरी जान लेने वाले थे, तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? क्या वो बुली करना नहीं था? ये सब सुनकर प्रणव का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हुआ और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अकीरा को कहा, मिस, क्या तुम्हें पता भी है कि बुली किसे कहते हैं? जब प्रणव के फेस पर हल्की सी स्माइल थी, वो लुक हर लड़की को पागल कर देती थी। उस समय वो बिल्कुल उन लड़कों की तरह लग रहा था जो एक लुक से लड़कियों को घायल कर देते हैं। अकीरा वो तो अभी प्रणव ने जो बोला उन बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही अकीरा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, और तभी प्रणव ने अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए थे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस थी जिससे अकीरा जबरदस्ती प्रणव को पीछे नहीं हटा सकती थी। प्रणव ने बिल्कुल अपने बिहेवियर की तरह उसे किस किया था, ये ना सोचते हुए कि अकीरा को ये सब कैसे लग रहा था। वो बिल्कुल एरोगेंट और स्टिमिक किस लग रही थी। अकीरा वो तो इस किस से चौंक गई थी। प्रणव ने अपनी बॉडी उसके ऊपर लीन कर ली थी जिसकी वजह से वो उसे हटा नहीं पा रही थी, और वो यानी कि अकीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। प्रणव को किस करने देने के अलावा उसके पास कोई एस्केप नहीं था। अकीरा की वेस्ट को प्रणव ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। उसे ऐसा लग रहा था
कि वो अकीरा को अपने और भी पास लेना चाहता था। किस होने के बाद प्रणव ने उसकी चिन से पकड़कर उसका मुंह ऊपर करते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि बुलिंग किसे कहते हैं। ये सब सुनकर अकीरा के मन में प्रणव के लिए गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसको ये नहीं पता था कि लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। बहुत बार उसने अकीरा को जबरदस्ती किस किया था। अकीरा, उसने उसको पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहती है। हर बार जब प्रणव उसे इस तरह किस करता था, वो अथर्व को लेके अब्रॉड जाने के बारे में सोचती थी। उसे किसी से बदला भी नहीं लेना था और न ही ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जॉब करने से ये सब होता। लेकिन अथर्व की बीमारी, अब जब तक वो इस इंसान से नहीं मिल लेती जिसका बोन मारो अथर्व से मैच करता है, तब तक वो आगे के बारे में और कुछ नहीं सोच सकती थी। उसके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रणव ने नोटिस किया कि अकीरा का ध्यान कहीं और था। उसने और कुछ कॉम्प्लिकेट करने के बारे में नहीं सोचा। वो एक अच्छा इंसान नहीं था। बार बार जो लड़की उसे रिजेक्ट करती थी, उसके ऊपर अपने आप को फोर्स करके उसे भी बुरा लग रहा था। ये सब प्रणव को भी अपसेट कर रहा था। फिर प्रणव ने फिर से कार चलाना शुरू कर दी थी। अकीरा को सडनली याद आया कि इंटरव्यू के पहले प्रणव ने उसे कोई फोटो के बारे में बोला था जिसमें वो बात करके आई थी। उसने डेलिब्रेशन में अपने लिप्स प्रेस किए और अब वो प्रणव के सेंट को टेस्ट कर पा रही थी। उसने फिर प्रणव को पूछा, मिस्टर प्रणव, आप किसी फोटो के बारे में बोल रहे थे ना जो मैंने आपको सेंड की थी? अब पहले जैसी कोई जल्दी नहीं थी। अकीरा प्रणव के साथ सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। उसे प्रणव को ये बात समझानी थी कि वो उसे सीड्यूस नहीं कर रही थी। प्रणव का एक हाथ विंडो पर था और दूसरा स्टेयरिंग पर। उसके सनग्लासेस उसकी आंखों पर थे और उसकी पूरी आंखें कवर हो चुकी थी। वो बहुत हैंडसम तो लग रहा था। अकीरा को ये नहीं पता चल रहा था कि उसने क्या किया था जिसे प्रणव फिर से गुस्सा हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी वो करेगी वो गलत ही होगा। उसने तो इस बार जबरदस्ती किस करने पर भी कुछ नहीं बोला था। अकीरा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो जो भी उनके बीच में था वो क्लियर करना चाहती थी और प्रणव से मिलना भी नहीं चाहती थी। उसने फिर से बात करने की कोशिश की और कार में जो ऑकवर्ड साइलेंस थी उसे इग्नोर करते हुए उसने बोला, मेरा इंटरव्यू होने के बाद हम सब बातें क्लियर करने वाले थे ना? अचानक से प्रणव ने कार के ब्रेक पर जोर से अपना पैर मारा और कार रोक दी, जिसकी वजह से कार एकदम झटके से रुक गई थी। कार अब एक और बार रुक गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? इस बार कार ट्रैफिक लाइन की वजह से रुकी थी। फिर प्रणव कार से बाहर निकला और उसने जोर से कार का दरवाजा बंद कर दिया था। कार का दरवाजा बंद होने के बाद कार जोर से हिल रही थी। अकीरा ने रियलाइज किया कि वो अंदर ही थी, तो उसने जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश की और देखा कि दरवाजा खुल भी नहीं रहा था। दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अकीरा ने रियलाइज किया कि प्रणव ने उसे कार में लॉक कर दिया था। अकीरा ने विंडो की तरफ देखा, वो आधी खुली थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे अकीरा कार से बाहर निकल सके। विंडो से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी बॉडी को श्रिंक करना पड़ा, जो इम्पॉसिबल था। अब उसने विंडो से ही प्रणव को देखा जो दरवाजा पटक कर चला गया था। उसने अपनी जैकेट निकाल दी थी और वो रोड क्रॉस कर रहा था। वो यूजुअली जो ब्लैक शर्ट और पैंट पहनता था वो ही उसी ने पहना हुआ था। उसके शोल्डर्स भी बोल्ड थे और वेस्ट थिन थी। इसके साथ उसके पैर भी अच्छे खासे लंबे थे। पीछे से वो और भी डैशिंग लग रहा था। अकीरा ने देखा कि उसके आसपास लड़कियां उसको देखकर खुशी से पागल हो रही थी। अकीरा ने सीट पर टेका लिया और वो सोचने लगी कि वो अभी भी यंग है, लेकिन अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। वो इन सब से थक चुकी थी। पहले की तरह यंग वाली बात अब उसमें नहीं थी। वो पर्सनालिटी अब मर चुकी थी। ऐसा टाइम भी था जब इतनी सारी तकलीफों से गुजरने के बाद वो खुद को लकी भी मानती थी। रेड लाइट 60 सेकंड्स बाद ग्रीन हो गई थी। स्पोर्ट्स कार के पीछे वाले लोग जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे थे। इतने ही देर में एक कार वाला बाहर आकर अकीरा की विंडो को जोर से टैप करके बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या?
तुम इस रेड लाइट के चेंज होने के बाद भी यहाँ क्यों रुकी हो? अकीरा ने खुद को एक्सप्लेनेशन देने के लिए प्रिपेयर किया। जो आदमी बाहर खड़ा था वो बहुत गुस्से में था। इससे पहले कि अकीरा कुछ बोले, भाड़ में जाए तुम्हारा एक्सक्यूज। अगर तुमने अभी जल्द से जल्द गाड़ी नहीं हटाई तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अकीरा को मालूम था कि वो गलत थी। उसने मन में प्रणव को बहुत उल्टा सीधा कहा और बाहर खड़े आदमी को उसकी बात बोलने दी। जो आदमी बाहर खड़ा था उसने जोर से कार को किक किया। ये देखकर कि अकीरा इसे इग्नोर कर रही थी, उसने कार के नॉच को पॉइंट करते हुए कहा, तुम स्पोर्ट्स कार चला रही हो तो तुम क्या अपने मन की करोगी? तुम मुझे। और यही एंड होता है ये एपिसोड। इसके आगे के एपिसोड जानने के लिए आपको इस पेज को फॉलो करना है और सुनते रहना है पॉकेट एफएम। होल्ड मी टाइट एपिसोड 30, डोंट मेस विथ मी विथ आरजी अनुश्री। जिसने उस आदमी की उंगलियों को पकड़ा था उसने जोर से उसकी उंगली मोड़ी और उंगली टूटने की आवाज आई थी। ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा। दर्द में उसकी शक्ल की रंगत ही गायब हो गई थी। उस आदमी ने अपनी उंगलियों को छुड़ाया और खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपने मुंह से कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक लंबा इंसान खड़ा था जो दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने वहां कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। उस आदमी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस आदमी ने जब अपनी उंगलियां वहां से हटाई तो उसे अब और भी डर लग रहा था। 30 की उम्र में उसकी पर्सनालिटी लोगों के लिए बहुत ही फियर्स और डिमांडिंग थी। उसे लगता था कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, पर यहाँ उस आदमी के पसीने छूट गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे किसी से डर जाएगा। उस आदमी ने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और खुद को संभालने की कोशिश की थी। तुमने इसे क्या कहा? प्रणव ने उसके रिस्ट को जोर से मोड़ते हुए कहा। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही गुस्से वाले थे और उसने उस आदमी की रिस्ट की हड्डी तोड़ दी थी। उस आदमी ने अपने आप को शांत किया, अपने दर्द को संभाला और फिर धीरे से बोला, आपकी कार बीच में खड़ी है, ये जगह रोक रही है। मैं जिधर चाहे वहां कार खड़ी रखूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अकीरा अब भी कार से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि कार अभी भी लॉक थी। उसने बाहर खड़े ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ सनग्लासेस पहने प्रणव को देखा। वो बाहर सनलाइट में बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। अकीरा थोड़ा चौंक गई थी कि कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। गलती तो प्रणव की ही थी ना। वो आदमी जो अकीरा से इतने गुस्से से और एटीट्यूड में बात कर रहा था वो अब बहुत ही शांत और चुप हो गया था। प्रणव को देखकर वो तो इस डर में था कि कहीं प्रणव उसे मार ना दे। अकीरा ने जो थोड़ी विंडो खुली थी वहां से प्रणव को चिल्लाकर कहा, कार में बैठो, झगड़ना बंद करो। अकीरा की आवाज बहुत सॉफ्ट और रिफ्रेशिंग थी। उसकी आवाज सुनकर प्रणव का थोड़ा गुस्सा शांत हो गया था। प्रणव ने अकीरा की बात नहीं मानी और वो बाहर ही उस आदमी के सामने खड़ा था। उसने उस आदमी को अकीरा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, उससे माफी मांगो। इस आदमी ने प्रणव को ना बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं की और उसने जल्द से जल्द अकीरा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्रणव फिर से कार में बैठा और उसने अकीरा के ऊपर ऑइंटमेंट फेंका और गुस्से में उससे कहा, अगर तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है तो तुम उसे जवाब नहीं दे सकती? यहाँ चुप क्यों बैठी थी? तुम क्या गूंगी हो? अकीरा ने फिर धीरे से जवाब दिया, यहाँ कार पार्क करके जाना तुम्हारी गलती है। मेरा जहां मन करे मैं वहां पार्क करूंगा। वो अभी भी गुस्से में ही था। अकीरा के पास अब वापस कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। जो ऑइंटमेंट प्रणव ने अकीरा के ऊपर फेंकी थी उसने वो उठाई और उस पर नाम पढ़ा। वो स्वेलिंग कम करती थी। उसने प्रणव को कंफ्यूजन में देखा। तुम कार से बाहर मेरे लिए ये लेने गए थे? प्रणव ने अकीरा को अपनी गहरी काली आंखों से देखा और 2 मिनट के लिए उसे कुछ नहीं बोला। फिर उसने बहुत ही सॉफ्ट और इनोसेंट तरीके से कहा, मैं तुम्हारा ऐसा गंदा स्वॉलन फेस नहीं देखना चाहता था। अकीरा के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। दिन में 3 बार लगाना है इसे।
अकीरा ने हम करके एक्सप्रेशन दिए। एक बार अभी लगाओ उसे, अकीरा ने धीरे से बोला। मैं घर जाकर लगा लूंगी। प्रणव ने उस पर कुछ बोला नहीं और एक प्राइवेट रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार रोक दी थी। अपनी सीट बेल्ट ओपन करने के बाद वो कार से निकला ही नहीं। उसने अकीरा के हाथ से ऑइंटमेंट ली और अपने हाथों से अकीरा के गाल पर लगा दिया था। उसने ये सब एकदम जल्दी में किया। अकीरा को उसे रोकने का कोई चांस ही नहीं मिला। वो एकदम स्टीफ होकर बैठी थी। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी क्योंकि उसके सामने प्रणव का हैंडसम फेस था। इतने डिस्टेंस से भी उसकी आईलैशेस बहुत ही बड़े और अच्छे लग रहे थे। ये देखकर कोई भी लड़की आसानी से पागल हो जाती थी। फिर अकीरा ने अपनी ड्रेस देखी और प्रणव से पूछा, तुमने एल्विस को मेरे पास ये ड्रेस लेकर भेजा था ना? प्रणव ने ये सुनकर उसे लुक दिया और फिर उसे चौंकते हुए पूछा, क्यों? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है, पर मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। प्रणव के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे ये सुनकर कि अकीरा किसी और को पसंद करती है। उसके अंदर से बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। वो रेस्टलेस फील कर रहा था। ये प्रणव के साथ शायद ही कभी पहले हुआ होगा, वो भी जब किसी लड़की ने ये बोला हो कि उसे कोई और पसंद है। इससे तो ऐसा लगने लगा था कि प्रणव अकीरा को बहुत पसंद करता है। अकीरा को ये बात पता चल गई थी कि अब प्रणव उसके ऊपर गुस्सा हो गया है। उसके एक्सप्रेशन देखकर ही अंदाजा लगाया जाता था कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा था। वैसे भी ऐसी चीजें पहले ही क्लियर कर लो तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाकर ये सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। मिस्टर प्रणव, प्लीज गुस्सा मत हो, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। अकीरा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करने वाली थी। उसे पता था कि कब कैसे किस टोन में बात करनी है। उसने अपनी आवाज सॉफ्ट कर ली थी। इससे प्रणव की जो रेस्टलेसनेस थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई थी। प्रणव को रियलाइज हुआ कि अकीरा उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। ये देखकर वो उसे घूरने लगा और उसने अकीरा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अकीरा ने हल्के से जवाब दिया, नहीं। उसने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। अकीरा पागल और स्टूपिड नहीं थी और ना ही कोई भ्रम में थी। वो ऐसा नहीं सोच रही थी कि प्रणव उसे पसंद करता है। ऐसे अमीर और फेमस लोग अकीरा जैसे लोगों को बस कुछ ही दिन के लिए पसंद करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप जैसी चीजें उन्हें कोई काम की नहीं लगती। अच्छा, ऐसा नहीं है? प्रणव ने अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और अकीरा का वीचैट ओपन किया और कहा, अगर उस बिगड़े हुए बच्चे ने मुझे तुम्हारा नंबर ऐड करने नहीं कहा होता और वो फोटो भी नहीं भेजी होती जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुड़कर देखता। अकीरा चौंक गई थी अपनी वो शावर के बाद वाली फोटो देखकर जिसमें उसने बाथरोब पहना था और वो अपने बाल सुखा रही थी। अथर्व ही वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। उसने सीक्रेटली अकीरा को धोखा दिया था। अकीरा वो फोटो डिलीट करना चाहती थी। वो ऐसे कुछ करे उससे पहले ही प्रणव ने अपना फोन वापस ले लिया था। उसने अकीरा को घूरते हुए ऑर्डर दिया, मुझे फिर से ऐड करो। अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। शायद ये सब अथर्व ने किया है और वो पकड़ा ना जाए इसलिए उसने चैट डिलीट कर दी हो। ये सब की वजह से प्रणव को गलत इम्प्रेशन मिला था। जल्दी करो, प्रणव ने चिल्लाकर कहा। उसके चिल्लाने के कारण अकीरा डर गई थी। उसका फेस बहुत ही अच्छा था और हैंडसम भी, पर उसके टेम्पर की वजह से ही लोग उससे दूर रहते थे। वो हैंडसम था पर उसका टेम्पर बहुत हाई था। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम मुझे ऐड क्यों करने बोल रहे हो? हमारे बीच में बात करने जैसा कुछ नहीं है। प्रणव ने अकीरा की बातों को इग्नोर किया और उसके बैग में से उसका फोन निकाला। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करती, उसने फिर से खुद को ऐड किया और अकीरा के ऊपर फोन फेंक दिया। मुझे फिर से ब्लॉक करने की हिम्मत मत करना। अकीरा समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। ऐसा क्या था जिस वजह से वो जो भी बोले वो प्रणव को समझ में ही नहीं आता था। वो किसी और को पसंद करती है। वो बोलने का एक ही रीजन था कि प्रणव उसे फिर से कॉन्टेक्ट ना करे, लेकिन अकीरा का अब सर दुखने लगा था।
उसे आगे जाके होने वाली प्रॉब्लम्स का अभी से अंदाजा हो गया था। क्या परेशानी है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसने लड़के को रिजेक्ट किया था, पर ये पहली बार हुआ था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस हाई टेम्पर्ड वाले इंसान को कैसे हैंडल करे। अकीरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए उसने प्रणव को कहा, जिस बिगड़े हुए बच्चे की तुम बात कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। नॉर्मली जो टिपिकल अमीर लोग होते हैं, उन्हें ऐसी लड़कियां, मतलब सिंगल मदर, नहीं पसंद आती। वो ऐसी लड़कियों से रिश्ता जोड़कर अपनी इमेज स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। रिच फैमिली में लड़कियों के अच्छे बिहेवियर और बैकग्राउंड के बेसिस पे उन्हें जज किया जाता है, और अकीरा के पास अब तो ये दोनों ही नहीं थे। प्रणव ने अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखा, वो अब वीचैट पे फिर से फ्रेंड्स थे। उसने अकीरा को बहुत ही नॉर्मली कहा, अथर्व तुम्हारा बेटा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अकीरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने जैसे सोचा था वैसे कुछ तो हुआ ही नहीं था। मैं जब 18 साल की थी, मैं एक लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी। प्रणव के एक्सप्रेशन ये सुनकर चेंज हो गए और उसने अकीरा को कंफ्यूजन में पूछा, तुम अभी भी उस आदमी से मिलती हो? अगर अब वो तुम्हें फिर से खोजने या पाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और यही एंड होता है ये एपिसोड। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले एपिसोड में सुनना होगा और इस पेज को फॉलो करना होगा। सुनते रहिए पॉकेट FM।